माया मेरा जी करदा घर छड़ के मलंग हो जावा। लेकिन एक टीम ऐसी है जो घर छोड़ती है तो वो मलंग हो जाती है एक्चुअली, सीएसके की टीम। उसी मैच की बात करने वाले हो मुझे लगता है। घर पे खेल रहे तो मलंग नहीं होंगे, वहां पे सबको तंग करेंगे सीएसके की टीम, और यही बात करने वाले हम आज मैच नंबर 49 जो कि है सीएसके वर्सेस पीवीकेएस, और ये मैच हो रहा है चिपॉक के स्टेडियम में यानी कि सीएसके के घर पे। क्या हो सकती है यहाँ पे फैंटेसी 11 और कैसे आप लाइव मैच देखते देखते खेलते खेलते जीत सकते हैं रियल कैश, ये सब बातें बताएंगे आपको हम इस वीडियो में, तो जरा देखते रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो ज्ञानकारी सेगमेंट में ऋतिक आप बताएंगे पिच रिपोर्ट पहले तो। बिल्कुल, और जहां पर सीएसके मलंग नहीं होती वहां की पिच रिपोर्ट बताऊं। चेन्नई के घर की यानी चेपॉक की पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी रहेगी कि बैटिंग के लिए अच्छा रहेगा, सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाता है, पिछले मैच में भी ड्यू आया था पर लेकिन तुषार देशपांडे ने अच्छी गेंदबाजी करी जी ड्यू के होते हुए भी। यूजुअली तेज गेंदबाजों को, स्पिनरों को या ओवरऑल गेंदबाजों को मदद नहीं मिलती है ड्यू में, पर लेकिन सीएसके तो सीएसके प्लानिंग के साथ आती है तो बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाती है। तो पिच रहेगी बैटिंग के लिए अच्छी, बीच बीच में स्लोअर गेंदबाजों का योगदान रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है। और उसके साथ अगर हम चले आगे की तरफ की स्टैट्स क्या कहते हैं, हेड टू हेड के स्टैट्स क्या कहते हैं ऋतिक? तो दोनों टीमों के बीच में यानी सीएसके और पंजाब के बीच में टोटल मुकाबले हुए 28, सीएसके ने जीते हैं 15, पंजाब किंग्स ने जीते हैं 13। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ वेन्यू स्टैट्स की, सीएसके इस तरफ तो मतलब ऑब्वियसली बात है बहुत आगे है। वेन्यू स्टैट्स क्या कहते हैं, अगर पहले गेंदबाजी करनी चाहिए या पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए यहाँ पे? देखो वेन्यू स्टैट्स ये कहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करो। ओके, पर लेकिन क्योंकि चेन्नई में ड्यू आ जाता है और बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी पिच पर मैच हो रहा है, चेन्नई में ये बहुत चीजें डिपेंड करती है। पर लेकिन अगर आप वेन्यू स्टैट्स की तरफ देखें तो टोटल T20 मैच हुए 81, जिसमें से बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं 48, बैट सेकंड चेज करने वाली टीम ने 33। ओके, तो मेरे को लगता है कि पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा प्रेफरेबल रहता है यहाँ पर, और देखना होगा टॉस जीत के पहले कौन बल्लेबाजी करता है। लास्ट मैच में सीएसके ने 200 प्लस फिर से स्कोर बना दिया था, और वैसे एवरेज स्कोर यहाँ पे अराउंड 170 के आसपास का रह रहा है इस सीजन में, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली इस साल, तो क्योंकि रन्स पे रन्स बन रहे हैं। और साथ साथ ऋतिक एक और चीज बोलना चाहूंगा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि सीएसके ने सबसे ज्यादा T20 में 200 प्लस का स्कोर बनाया आईपीएल में। तो भाई सीएसके लेजेंडरी टीम है और अभी भी ऐसे ही काम कर रही है, ऐसे ही परफॉर्म कर रही है, और घर के तो शेर हैं ही यार, ऑब्वियसली घर के तो शेर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मलंग यहाँ नहीं होते। पांच मैच हो चुके हैं अभी तक इनको यहाँ पर, अभी इस आईपीएल सीजन में पांच में से चार जीते हैं, चार जीते जो पिछला हुआ था बस जो इससे पहले वाला एलएसजी के खिलाफ वो हारे थे बस, उस दिन तो मार्कस टॉनिस का दिन था भाई मेरे हिसाब से, बस वही था। और उधर से पंजाब की टीम भाई वो भी क्या करके आई है, सामने चेज करके आई, चेज करके आई है गजब की, और 262 का टारगेट चेज किया। T20 ओवरऑल के इतिहास में सबसे बड़ी चेज थी और उन्होंने पूरी कर दी, जब लगा ही नहीं था, जब जॉनी बेस्टो जो ना ही इंग्लैंड इंडिया की सीरीज में चले और ना ही पूरे अब तक आईपीएल में चल रहे थे, उन्होंने शतक लगा दिया सीधा। उसके बाद शशांक सिंह ने आगे जो पारी खेली, अगेन मतलब सुनने में आया था कहीं कहीं से कि शायद से इंडियन टीम के लिए उनका कॉल अप आ सकता है जल्दी, वर्ल्ड कप के लिए ना आए लेकिन बाद में जरूर आ जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन जो बल्लेबाजी करी उन्होंने, 68 नॉट आउट रनों की पारी खेली, बहुत कमाल की पारी थी, बड़ी गजब की। और उसके साथ में अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्रोबेबल 11 क्या होगी इन दोनों टीमों की। ऋतिक, तो चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11 पहले बता देता हूं, तो वो कुछ ऐसी होगी, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, डैरिल मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान और मतीशा पथिराणा। सीएसके की बात कर ली है ऋतिक ने, अब बात करते हैं हम मेहमान टीम की जो कि है पंजाब की टीम। तो पंजाबियों में कौन कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं ये बताते हैं। जॉनी बेस्टो, सैम करन, राली रुसो, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत ब्राड, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, राहुल चहर एंड अर्शदीप सिंह। तो ये तो बात हो गई सब डेटा की, और जो भी डेटा हमारे पास हो सकता था हमने सब ले लिया है, लेकिन अब इस डेटा का करेंगे क्या, दिल दिमाग और डेटा के साथ हम लोग बनाएंगे अपनी क्लासिक फैंटेसी टीम, और उसके लिए हमें जाना होगा अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है आज के बाजीगर। तो ऋतिक ओवर टू यू। तो आज के बाजीगर में सबसे बढ़िया टीम देनी है क्लासिक फैंटेसी की जी, तो सीएसके वर्सेस पंजाब किंग्स मुकाबले की क्लासिक फैंटेसी टीम कुछ ऐसी होगी। विकेट कीपर्स में रहेंगे जॉनी बेस्टो और प्रभसिमरन सिंह, बैटर्स में शशांक सिंह, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़, ऑलराउंडर्स में सैम करन और रविंद्र जडेजा, बॉलर्स में हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मतीशा पतिराणा और मुस्तफिजुर रहमान। तो वाइस कैप्टन रहेंगे शिवम दुबे और कैप्टन रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो जय, ये तो होगी क्लासिक फैंटेसी जी, पर आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे पहले, मुझे मेरा वो सवाल था, मेरा डाउट था, और वो ये डाउट है रहते कि जस्ट इन केस आपने जो टीम बताई है उसके अंदर वो प्लेयर्स हैं ऐसे कुछ कुछ जो मेरे को लगता है कि शायद इनका जो फॉर्म है वो डाउटफुल रह सकता है, तो उस वक्त पे कहीं मेरी जो फैंटेसी पॉइंट्स है वो हैम्पर ना हो जाए, इसका कुछ इलाज बताओ यार।
अगर आप चाहते हो कि आपका जो लॉस है वो मिटिगेट हो जाए या आपके जो पॉइंट्स है वो हैम्पर ना हो, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मान लो आपको कोई किसी खिलाड़ी पर डाउट है, उसके परफॉर्मेंस पे डाउट है या जो भी है कंडीशंस के हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या जो सामने अपोनेंट टीम खेल रही है उसके सामने उसका तुक्का नहीं बैठ पाता, तो आप उसका स्टॉक शॉर्ट में खरीद लो। ओके, लॉन्ग पर उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर शॉर्ट पर आप इन्वेस्ट कर दो। स्पोर्ट्स बाजी आपको ये भी तो ऑप्शन देता है कि शॉर्ट पर इन्वेस्ट करने का, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, एक तो ये बात हो गई, दूसरा आपका जो है लॉस मिटिगेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगी आपकी चीजें। काफी इंटरेस्टिंग है और देखना होगा क्या होता है आगे, मैं ऐसे जरूर करूंगा। और एक और सवाल है मेरा यार, थोड़े सवाल पे सवाल आएंगे, सॉरी तंग कर रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जस्ट इन केस पहली टीम जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या चलो परफॉर्म कर भी रही हो अच्छा पहले इनिंग्स के बाद मेरी क्लासिक फैंटेसी टीम, बट मुझे उसको और बढ़ाना है, मुझे मतलब इतने थोड़े में खुश होने वाला बंदा नहीं हूं मैं, तो उस टाइम पे क्या करें? ज्यादा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ज्यादा चाहिए तो आपके पास सेकंड इनिंग्स में टीम बनाने का भी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। ओके, स्पोर्ट्स बाजी में जैसे आप पहले इनिंग की टीम बनाते हो वैसे आप सेकंड इनिंग्स में टीम बना सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन आता है उसमें। पहले इनिंग में आपने टीम बनाई, अच्छे पॉइंट्स कमा दिए, तो वही दिल दिमाग और डेटा लगाकर आप सेकंड इनिंग में भी टीम लगा सकते हो, बना सकते हो, अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन तब भी चुन सकते हो, कंडीशन और पिच के हिसाब से जो टीम डिफेंड कर रही होगी उसके हिसाब से आप गेंदबाज चुन लो, और बल जो टीम चेस कर रही होगी सेकंड इनिंग में बैट कर रही होगी वैसे बैट्समैन चुन लो, तो सेकंड इनिंग में टीम बना लो। काफी इंटरेस्टिंग, मैं ये जरूर करूंगा। और उसके साथ आगे बढ़े कि क्लासिक फैंटेसी टीम तो हो गई, उसके बाद साथ में होगी सेकंड इनिंग्स की बात। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज की, जो कि है स्टैट्स प्रो। स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे आप लाइव मैच देखते देखते खेल सकते हैं, और लाइव गेम्स खेलते खेलते आप जीत सकते हैं रियल कैश। कैसे होगा? स्टैट्स प्रो पे होगा, वहां पर होंगी बहुत सारी मार्केट्स, यानी कि बहुत सारे सवाल मैच से रिलेटेड, और वो चलते रहते हैं, डायनामिकली चेंज भी होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मैच। तो वो कैसे खेलना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे, वहां पर इस मैच से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास, और पहला सवाल है कि टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। अब हम ये बात जानकारी सेगमेंट में कर ही रहे थे कि जो भी टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती है उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा एज होता है, तो उस एज को लेने के लिए ना मेरे को लगता है कि यहाँ पर पहली जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी ही करेगी। इसलिए मेरा ओपिनियन रहेगा, यस, मेरा डेटा, मेरा दिल और मेरा दिमाग यही कहता है। उसके बाद अगर आपका दिल, दिमाग और डेटा कुछ और कहता है, तो आप अपना ओपिनियन उसके अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स में रियल कैश पा सकते हैं, अगर आपका ओपिनियन और प्रेडिक्शन सही हो जाए तो। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे और चले तो और भी बड़े सारे सवाल है यहाँ पर, कि पहला सवाल ये कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 186 और मोर रन इन 20 ओवर्स। अभी बहुत ट्रिकी सवाल है, आपको अपना दिल, दिमाग और डेटा बहुत सही तरीके से लगाना होगा येस और नो पे, क्योंकि यहाँ का जो एवरेज स्कोर है 170 के आसपास है इस वक्त पे, लेकिन हमने देखा है कि 200 रन बनना यहाँ पे बहुत आम बात हो चुकी है। हर बार CSK आती है 200 भी बनाती है, और बाकी टीम्स भी काफ़ी अच्छा रन चेज भी कर लेती हैं, और PBKS जो एक्चुअली इतना बड़ा टारगेट चेज करके आ रही है, सब दुनिया का मतलब हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट T20 इतिहास में, तो उनके लिए मेरे को लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी 186 रन बनाना। तो मेरे को लगता है मैं तो यस पे जाऊंगा, बट जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है नहीं इतना नहीं बनेगा, यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो स्लो रहेगी विकेट, तो आप नो पे भी जा सकते हैं। आपका ओपिनियन है, आपका डेटा है, आपका एनालिसिस है, आपके हिसाब से करें आप और ओपिनियन शेयर करें, और अगर जीत जाते हैं तो आपको रियल कैश मिलेगा। तो ये तो बात हो गई स्टैट्स प्रो की, लेकिन अब बात करते हैं टॉप 3 स्टॉक्स कौन से हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स अच्छे खासे पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले स्टॉक की, पहले पिक रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, और एक दो रन से मतलब चुक गए, एक और शतक आ जाता उनका और मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन रन्स जो हैं वो बनाए उन्होंने, 98 रन पिछले मैच में भी, तो रन्स के मामले में बहुत अच्छी फॉर्म में है, और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आप कह सकते हो, इस तरह से खेल रहे हैं, तो आप लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट बड़े इजीली कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हमें पता है ऋतुराज गायकवाड़ अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एक तरह से CSK का मैदान है, और वो भली भांति जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रन्स बनते हैं। उसके बाद दूसरे प्लेयर होंगे जॉनी बेस्टो। अब जॉनी बेस्टो स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा वीक है, आई अंडरस्टैंड, आई नो आप बोलेंगे कि शतक मार के आए पिछले मैच में वो भी, लेकिन स्पिन अगर सामने आएगी तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तंग होते हैं, और जहां चेन्नई की विकेट है वहां पर स्पिन को मदद भी बहुत मिलती है, तो मेरे को लगता है कि वहां पर आप शॉर्ट में इन्वेस्ट करें। जॉनी बेस्टो इतने रन नहीं बना पाएंगे, और आप शॉर्ट में जाकर उनका स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन तीसरे प्लेयर की बात करें तो मतीशा पतिराना, मतलब हर मैच में जब जरूरत होती है मतीशा पतिराना आते हैं, विकेट्स लेकर जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप आराम से उन पे आंख बंद करके लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको रिटर्न्स शॉर्टली मिल जाएंगे। जस्ट स्टॉक्स तो आप बता दिए आपने, आप बताते ही रहते हो, पर लेकिन आपने ये चीज नहीं सुनी होगी, क्या, कि महेंद्र सिंह धोनी ने एज अ प्लेयर 150 IPL विंस अपने नाम कर लिए हैं, और सिर्फ वो ही है इकलौते IPL हिस्ट्री में ऐसा करने वाले।
क्या बात है, as a player, मतलब मेरे को लगता है आसपास ही होंगे, सबसे ज्यादा उन्हीं की होंगे, वही है ना कि मतलब मान लो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने की जीत आई 150 आई, उसमें महेंद्र सिंह धोनी थे, आधी से ज्यादा उसमें बतौर कप्तान थे, पर लेकिन इस सीजन की थोड़ी बहुत जो जीत है उनकी कप्तानी में नहीं आई ना, बिल्कुल दिक्कत है। तो यही दिक्कत है, और दिक्कत तो क्या, ये तो ट्रांजिशन फेज है मेरे को लगता है। सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी मतलब ऑब्वियसली बात है थाला फॉर अ रीजन है, और इसीलिए 150 विन्स है, तो काफी इंटरेस्टिंग स्टार्ट था ये। अब चलते हैं थोड़ा सा और ज्ञान देने की तरफ, मुफ्त का ज्ञान हमारी ऑडियंस को देते हैं, और ऋतिक क्या बताएंगे मुफ्त के ज्ञान, प्रेडिक्शन हो जाए एक। इस बार प्रेडिक्शन बड़ी इजी है ये, मतलब सबके लिए बहुत आसान प्रेडिक्शन है, चेन्नई के घर में चेन्नई का पलड़ा भारी रहेगा ना। मैं क्यूरियस हूँ कि एक्चुअली परसेंटेज कितना मिला है यहाँ, परसेंटेज पता है कितना मिला है, परसेंटेज मिला सीएसके को 65%। ओके यार, बाकी बचा हुआ ज्यादा है, हाँ मतलब 35 दे दिया पंजाब को, पंजाब के लिए ज्यादा है मेरे हिसाब से। मतलब ये वेटेज क्यों है इतनी सीएसके को, मतलब पंजाब जीत के आई है पिछले मैच में और चेज इतना बढ़िया करके आई है, फिर भी चेन्नई को अपने घर का एडवांटेज देखते हुए बड़ी वेटेज है यहाँ पर। थाला फॉर अ रीजन, बस वही है, थाला फॉर अ रीजन हो सकता है। उसके साथ साथ एक और हम आपको मुफ्त का ज्ञान देंगे, वो है बोनस स्टॉक। बोनस स्टॉक में कौन है इस बार मैं बताता हूँ आपको। तो बोनस स्टॉक में होंगे सैम करन, जो कि अभी कप्तानी कर रहे हैं पंजाब की टीम की, और साथ में गेंद और बल्ले से दोनों जगह से कॉन्ट्रीब्यूट बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं सैम करन के स्टॉक को, और आपको रिटर्न अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो हमारी तरफ से सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी में इतना ही, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज लास्ट मिनट अपडेट्स वहीं पे मिलते हैं आपको, टॉस के बाद कुछ भी चेंजेस आते हैं तो। और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिली खेले, स्मार्टली खेले, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें, और इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं आप उसको अलग अलग जगह पे डालें, ताकि एक जगह पे कहीं डाल के आप रिस्क ज्यादा ना बढ़ा दें अपना। और साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें, लाइक करें और सपोर्ट दिखाएं अपना। थैंक यू सो मच, एंड बेल आइकन पे जरा दबा देना ऐसे डंडा, ताकि जब भी हम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।